पर सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के मल्लपुर गांव में पहुंचे हैं और यहां पर जो है संडे की रात में एक घर पर पहुंची हूं और किस तरीके से जो है ये लोग रहते हैं वो भी दिखाऊंगी, लेकिन सच्चाई क्या है यहां के जो आसपास के लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये जो सहजराम है उनके पिता हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं और उनकी माता जी कहाँ। ये सहजराम का बड़ा भाई है जो कि बीमार रहता है। दादी ये बताओ क्या हुआ था? कुछ झगड़ा नहीं भवा, कुछ झगड़ा बिटिया नहीं भवा, नहीं कोई कोशिश में रही थी, कुछ झगड़ा नहीं भवा, खाली नानी मंदिर है तो कहते रहे चलो तो नानी कहीं से आज ठीक है ना भरे। हंसराज, हंसराज की जो पत्नी है उसका क्या नाम था? पम्पम्मी नाम रहे बिटिया। हाँ। अच्छा, उसने जो फांसी लगाई है या कैसे क्या घटना हुई कुछ पता है? घर में क्या लड़ाई झगड़ा होती थी? कुछ भैया नहीं बिटिया भवा, खाली भैया के लिए चले गए तब तेने घरी में है बिटिया जो लगा ली। ये कब की घटना है? इतवार संडे वाले दिन रात की घटना है या फिर दिन की? शनिचर की रात या इतवार का भोर हुआ है। शनिचर। आप लोग बहने हो? देवरानी। अच्छा। इनका लड़का का भगा दिन, घर से भगा दिन, लात मारिस खाले बैठ के गिरा तो उसे कहें तुम बाहर पहुड़ो जाए, वो आए का बाहर तरवाहे में पहुड़ रहा है, अंदर से ताला डाल लीस, रात भर बात की इनकी मात पिता से सबसे बात की, इसकी फांसी फोन छीन लीस, हंसराज से फोन छिना लीस और रात भर बात की, चाहे जिसे बात की सोए अंदर छल्ला में बांध ली रुपट्टा और टंग गए छल्ला में, यहाँ छल्ला में टंग गए। अभी चो लौंडा बीमार रही अस्पताल लिए चली गई, इनका कोई जानकारी नहीं रहे, सुबह लेके आए हैं 8 बजे तो कहने भैया छटकी नहीं जागी है तो एक पल्ला उजारे नहीं है, पल्ला जब उजारे नहीं है पल्ले लेके गिर गए हैं, जब पल्ला लेके गिर गए हैं तो उनके चोट काफ़ी लग गए, तो जब ऊँचे देखें तो क्या टंगी तो हंसिया लेन कहीं का पता कहीं पज्जू हो, तो जब रुपट्टा काटें तो कहीं नीचे जब उतारे नहीं तो जू नहीं समय पर यही इका लेके गए रहें घर पर नहीं रहे, इका भाई का लेके गए मुहके डगर नकुन डगर खून गिरा तर बहुत बीमार है, यू बीमार है सैगर दिन से सब। क्या नाम है? हाँ सुकई नाव है। अच्छा, ये बड़े भाई हंसराज? बड़ा भाई हंसराज का है, इस सब दिन बीमार ही रहा था कि इलाज करावा चले गए अस्पताल के, यहाँ हिया पर अत्यंत देर में है सब कुछ कई डारी से। अच्छा, जैसे उनके जो मायके वाले हैं वो आरोप है कि दहेज के लालच में मारा है, दहेज मांग रहे थे, क्या ऐसा कुछ मांग रहे थे? ये लोग दहेज मांग रहे, कुछ नहीं मांगत रहे हैं जौन, ये कई साल शादी के हो गए? तीसरा साल है, बैसाख हम तीनपुर। बच्चे बच्चे थे? हाँ बच्चे नहीं खत्म हो गए, बिटिया भाई रहे खत्म हो गए, बच्चे बच्चे कुछ नहीं रहे ऐसे रहे, कुछ बच्चे बच्चे नहीं रहे और मतलब उल्टे बना की खाती रहे, खटिया पर खाना पानी देते रहे, काम कुछ नहीं करते रहे, हाथन छाही करते रहे, तब के लिए या दशा कई के धरी सबका फसा। हंसराज ही घर के हैं जो काम करने वाले थे, जो घर का खर्च चलाते थे। अकेले दादा, नाम का है दादा? रघुलाल। रघुलाल, रघुलाल। दादा वो बीमार उमार रहते हो क्या? हम बीमार हैं। देखिए बुजुर्ग जो है बाप है और किस तरीके से उस महिला ने जो घर के अंदर फांसी लगाई है, आरोप जा रहा है सहजराम पर, लेकिन इनके पिता और इनकी माता को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसे ये लोग हैं। क्या औरत का किसी और से क्या फेर था क्या? कुछ नहीं, वह अपने मन का सब दिन करते रहे, जौन चाहत रहे तौन करते रहे, 8 दिन यहाँ नहीं रुकते रहे, 8 दिन बीते रहे, बस पठवे चलो नहीं पठवे जाते रहे तो घर में मारपीट करते, मारपीट होते रहे, झगड़ा वगड़ा कर देते रहे, कुछ चलो झगड़ा वगड़ा होता था, कहते रहे चलो कहा हाँ तो वही कहाँ अब काज फसल काटे साहेब लागे रहे तो कहते रहे काटे तो हम यह काटते रहे और लौंडे को लेके जाते रहे दोनों जने तो फसलो देखित रहे वो देखे अब साहब यू नहीं जाने थे का होते का तो अपने अपनी बहू को आप लोग मारते पीटते थे क्या? नहीं साहब, हाँ हाँ कब हो नहीं, पिता हमसे पिता के अलावा कुछ कर दे नहीं रहे, हाँ खाना भी नहीं दे रही थी, खाना नहीं दे रहा, इनका खाना नहीं, काम वाम कुछ करती थी घर का कि नहीं करते? मनमा पड़ते है तो करते रहे, नहीं बैठे रहते हम है करते रहे, आप खाना बना के खिलाती थी खटिया, बैठे रहते जो मनमा पड़ता तो कोई डरते रहे, नहीं मनमा पड़े जो कहे तो नहीं करे। आप नहीं रान जब हम तो नहीं पाए हम, हाँ हम रेता से नहीं आये देर में यहाँ तो हम लहासव देखे के नहीं पाए। आपको सूचना मिली थी कि आपकी भाभी ने जो है ऐसे कदम उठाया? हाँ सूचना मिली, मतलब जले आई है तो आपको भी लिखा दिया है तो आप दी नहीं है, आप कभी आती थी उसको मारती पीटती थी? हाँ नहीं कुछ नहीं, कोई क्या अकेली है, अकेले भाव जाए कोई क्या, कई बहने हो आप लोग? हम 5 बहनी है, 5 बहने हो, हाँ पाँच। सहजराम ऐसे थे जो घर का खर्च चलाते थे, पूरा करने वाला कोई और नहीं है? यू बता बिटिया जी के घर में अकेले भौजाई हुई, वह कोई केर भारू है जो के परान हुई है,
तो हमका लिखाई नहीं कि ये सब कोई बोलती रहा इनकी से के भाई आए विका यह बत के हमका लिखाई नहीं। अच्छा, हमारा घर हजारा है, ये हमारी है, हमको बताते हैं आप भी रहते हैं। नहीं, हम उनके से जठानी ये बिटिया तो मां दे दो, हम दोनों जने आन। हां अच्छा, तो हमको उधर आए देने बताओ, हम इतना जब पूछत रहे पर भी त्योहार तो आई गन आए कहो नहर से ने कोई करकटती है हैं, अब तुम जानो वही जाने में रो मत झगड़ा करी जाए। लड़के के भगाए देत रहे, बनाए बनाए उल्टा खवौती रहे, एक रोटी सेक के नहीं देत रहे ना, बूढ़ा बूढ़ो को देत रहे, ये बनाए खुद देती रहे, पाए पकड़ती रहे खाओ आए। और जो पांच बहनों में अकेला भाई जो था उसकी एक भाभी थी ना, क्योंकि बड़ा भाई देखिए जो बीमारी बिस्तर पे पड़ा रहता है, इससे भी छोटा है क्या कोई? हाँ, नहीं, दो ही भाई थे। हाँ, दो ही। एक भाई तो बिल्कुल बीमार है और बिस्तर पे पड़ा रहता है, लेकिन एक भाई जो साजराम था उसकी पत्नी ने घर हंसराज नाम था, हंसराज था वो, घर में जो है उसकी पत्नी ने जो है फांसी लगा ली। किस तरीके से यहाँ पर जो है बहनों को भी नहीं छोड़ा है और सबका नाम लिखा दिया है, क्या दहेज के लिए आप लोग कभी कुछ कहती थी? कब हो नहीं कहन हम के यहाँ के भौजाई कोई क्या दहेज यहाँ कोई नहीं रहा घर पर, बहने हाँ हम हूँ बहने नहीं। अच्छा। कोई नहीं रहा, खाली भाई रहा और भाभी रहा, हम सब कोई नहीं रहा ना। हाँ तनु आरोप लगे नहीं है तना तीसरे दिन जाती रहे बस दहेज हम कब हो नहीं मांग दहेज क्या काम। आप लोग गांव के रहने वाले हैं, क्या इनके वहाँ कभी लड़ाई झगड़ा कुछ होता था? कभी नहीं होता रहा लड़ाई झगड़ा, कभी नहीं होता रहा। पड़ोस में आप लोगों से बोलती थी, कुछ बताती क्या इन लोगों की? कुछ नहीं बताती थी, या बात करत रहे चुराए, और जब फांसी लगे छे तो मार ये मोबाइल फोड़ के यहाँ डार दी से फांसी लगे छे, और लंडा चला कर फसल आउती अब। हाँ, चला कर तो नदी चला गया फसला लेने, तो यहाँ जब चाय पीने के लिए हाँक दी तब इनको जगाने गए, तो यहाँ पे जब लटकी पड़ी रहे तो कोई दिखा के 12 बजे। अच्छा ये बताओ, इनकी जो बहनों पर आरोप है, इनकी जो बहने, ये भी बहने बता रहे कि बहने भी प्रताड़ित कर रही थी, क्या इनकी बहने कभी आती थी अपनी भाभी को कुछ कहती थी? कुछ नहीं कहती रहे साहब, कुछ नहीं कहती रहे, आउती रहा है एक दो दिन पहले भी, मतलब कई बार ट्राई करी है क्या कुछ फांसी वासी लगाने का कुछ पहले भी? कुछ पहले ट्राई करी सी है तो जान गई है यही अम्मा। हाँ तो छिना कहा रख ली, पहले भी कोशिश कर चुकी है। हाँ, कोशिश कर चुके हैं, वापस इन्हें कसम धरान कि तुम्हारी बिटिया फांसी लगावे जाती है बिटिया, तो तुम लौट आओ भैया ही आइए तो जाए। हंसराज क्या उसको मारते पीटते थे क्या? भैया जी तत नहीं रहे, भैया से खूब करियर रहे, डबल रहे, मारत का बहु नहीं रहे, भैया को मार देता है। हंसराज को खुद मारती थी उसकी पत्नी? खुद मार देते रहे बिटिया, लड़का से डेढ़े रहे पतवा, मतलब देही दशा में, मतलब वो मोटी ताजी, बहुत मोटी ताजी थी, तो उसको कई बार मतलब मारा हड़काया है, इसे वो लड़का बहुत बिटिया दे ताड़ना दे, हमसे नहीं कुछ कही, हमसे जब को मिले तो खाए जाओ साहब, हमसे कोई ताल्लुक नहीं। देती थी आपकी बहू की कि नहीं देती थी? नहीं खाना होना तो हमारे मुर्गी बूढ़ा, खाना एक ही में बनता था कि अलग यक्का अलग नहीं, जब यक्का बताओ साहब तो अकेले नहीं, बाटी रहे कहाँ लग रही है भाई, अकेले गाँव में रहते हैं। हाँ ये रहे थे, क्या है कि उस सच्चाई क्या है जैसे कि अरे लोगों पे आरोप लग रहा है, वह आरोप गलत जो आरोप लग रहा है और का भाई, सब गरीब आदमी बेचारी तन के आदमी है कि कोई सा झगड़ा बवाल कभी होते ही रहे है, ऐसे आदमी ही है। तो कभी अपनी बहू को कुछ कहते थे क्या? याक बहू है जी के तो को का है कि याक लड़का का है, याक बहू कहा को का कहे लगी, बोला जब बहू है नालायक है तो कौन उपाय, खुद बना के खिलाती, अकेले बहन हमारी बना खाओ, आपकी बहू तो नहीं कहती कि बना खवाओ, आप अपनी बहू को खिलाती बना करके? हम तो बहू का कर्तव्य है, बहू खुद खिलाए ना सास को बना, हमारी बहू बनावती है, हमारी बहन ही आया। हाँ तो बताओ, इस बुजुर्ग जो है माँ को बनाकर खिलाना पड़ता था बहू को, ये जितने फांसी लगाई से बनाए ना खाना, तो कहीं पहुरी रहे तो हम कहीं पापा मुरी लाए खाए ली से कहीं से, तो कहीं खाए लियो, तो कहे हम बनाए तो कहीं से ना खा, तो हम कहें चलो खाओ चले बिटिया, तो पकड़ के लाए हम कहें खाओ चले, उसकी बहुत जबरदस्ती खाना खिलाती थी, तो सुनो हम कहें बिटिया खाओ चले, तो साथ ही खाई तुमने कही हो तो हम उन्हें कही भाई, तो बिटिया कौरिया पर यहाँ दोनों जनी साथ ही खाए न रे। जो सास का एक शब्द है जो अपनी माँ होती है, अगर माँ की तरह समझा जाए तो सास भी माँ होती है, लेकिन आज का जो दौर है बहुत ही फैशन जमाना हो गया है, कौन समझता है कि वो हमारी माँ है, वो तो सास, सास तो चाहे कितनी भी सही हो लेकिन थोड़ा सा वो तो टेढ़ी होनी पड़ती है, क्योंकि सास कहावत तो कही गई सास, लेकिन सास को भी समझना चाहिए कि हमारी बेटी है, बेटी की तरह ये बताओ खाना खिलाती थी जबरदस्ती उनको उठा करके, लेकिन जो कर्तव्य था उन्होंने अपनी बहू का कर्तव्य नहीं निभाया।
आया थाने मंत्री रहता पतवा का मंत्री रहे हां पतवा का मंत्री रहे पूरा मलकियाता मु अब हमरे कोई नहीं जो तुम दिया हो तो कहीं भी ना पई ना दिया हो तो ना एक बहुत ही उसकी उसका सहारा था हां वो एक सहारा रहे तो बेटा जेल चला जाएगा तो बिटिया हम का करी मरी गेल बाप हम का साथ है मारे डर उसके मायके वाले आए थे वो क्या कह रहे थे मायके वालों से कहा नहीं था शिकायत कभी नहीं की मारे पर तैयार रहे तो हमारी बहनी हमका वैसी पकड़ी ले गई कहा पिटरवल डाल दी तो फूक दी महतारी बिटे ने सबका तो बिटिया घर में कोई के सब में के ठाड नहीं होए दी तो ताला तूर के हम पकड़ के लेके आओ तो हम केन सासुई कहूं हुआ कम दिमाग केरी हुई है नहीं दिमाग काम करती कहूं परी हुई है अब नंदई सब अपने अपने ससुराल में तो हमार पकड़ के बाह खाई चली ना मारे जाती रहे हमका कहा कि ये सब बुलाए लो कहां गई सासु नंदे कहां मरी गई हंस जावा कहां मरी गई को चलो चील खाने के लहास ले चली उको बहुत गाली दे रही अरे बहुत गांव के लोग हैं गांव से भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो पड़ोस में लोग रहते हैं उनको बेहतर पता होता है आप लोग गांव में रहती हैं आंटी आप लोग गांव में रहती सच्चाई कुछ जानकारी है इसके बारे में हम सब भाई नहीं जान पान हमारा दूर ही घर है हमारा उधर किनारे घर ये कभी क्या लड़ाई झगड़ा इनके घर में कभी कुछ होता था हम इधर रहन उधर है इधर हम सब जाने नहीं पाई रहे लड़ाई क्यों आंटी कुछ लड़ाई झगड़ा हमारा बिटिया उधर है घर है हम सबको जब सुनित रहे भाई जनों दिन खत्म भए क्यों दादा उसके लड़ाई झगड़ा कभी होता हम नहीं जानते हम तो मेहमान ही आए हैं सब लोग देखने के लिए आए हैं मेहमान भी आए हैं लेकिन यहाँ पर जो है एक बुजुर्ग बाप और बुजुर्ग एक माँ जो कि हंसराज की बहुत ही बुजुर्ग माँ बाप बहुत ही परेशान है और गरीब परिवार है लेकिन जिस तरीके से हंसराज की पत्नी ने यहाँ पर जो है अपनी जान दे दी है तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक अपने बहू होने का कर्तव्य नहीं निभाया है और किस तरीके से माँ और पिता का रो रो करके बुरा हाल है जिसका बेटा जो है एक ही घर का एक सहारा था जो कमा करके इनकी रोजी रोटी चलाता था घर का पूरा खर्च चलाता था लेकिन आज वही नहीं है तो कैसे इनकी एक रोटी घर में जो बनेगी तो कैसा इनके घर में इस वक्त जो है मातम सछाया हुआ है बहुत ही परेशान लोग हैं आप लोग गांव में रहते हैं क्यों गांव में रहते हैं कैसे क्या हुआ था कुछ जानकारी है जानकारी हम दूर रही थी वैसे हुआ मतलब उधर परिवार है वहाँ मकान है ये लोग सब उधर रहते हैं रहे थे तो कब पता चला था कि ऐसी घटना हो गई घटना हमको सकल आठ दस बजे मालूम हुई जब ये सब पल्ला ही लोग खोले तब जान पहने हो सब मतलब संडे वाले दिन की घटना है हाँ हाँ दिन में सुबह मतलब दिन का जान पहने या काम रात में किसी से मार आठ बजे दिन को जान पहने की फांसी लगी बिटिया दिखाए जाते रहा तो देर उठाती रहा देर उठा तो ये सब कहीं नहीं मतलब पौड़ी को समय पौड़ी रहे सब दिन टहल चौका कई डाली रहा तब उठा सब दिन चौका सुबह करती थी और सुबह सुबह वो सोती रहती थी हां नहीं बिटिया कब हो से मेरे जो जगाई तो लड़ाई लागत रहे जो जगाई तो लड़ाई लागत रहे कहे तुमरे बहुत आगे बरत है तुम का को इतना दुलार करती थी कि उसको जगाती भी नहीं थी करी नवरे के लड़ाई लागत रहे बाबू महतारी से बुला रही लागे बाप भगवती कहाँ पर घटना हुई थी जरा दिखाएं हम इनका घर भी हम आपको दिखा दें कि ये देखिए कि इधर जो है झोपड़पट्टी बनी हुई है ये एक ही कमरा इनका बना है जो कि काफी पुराना लग रहा है अंदर ही सोती थी वो अंदर ही सोती है बेटी आई देखो छल्ला में यह मरगनी में यहाँ रुपट्टा बांधे रहे तो कई माता रकम ग्वार लटके रहे कई पर बैठ रहा था यह रगर नुके बनी गई है बिटिया छल्ला यहाँ पर लगा हुआ हाँ या क्या हुआ उरी छल्लम बांध ली सी तो बापू आवा तब हम कहे नहीं भगवती पुर हटा तो हम कहे लौटिया फांसी लगावे जाते भी कोशिश कर चुकी आत्महत्या कर हाँ तो हम कहे बाप से नहीं लौटिया तो हम कहे बाप से लौटिया फांसी लगावे जाते हैं तो कहें चकदहाटियान रहा है भगवती पुर तो हम कहे तुम का समझी हमारे का समय समझी लौटियो नहीं हमका फसाए दिया है तो कहीं लगा ले दे हम ना लौटी का घरवालों को भी पता था इसके करतूत महतारी से बताई से रहा है तो महतारी यही रह रुआ बतला कहता है हमसे बताई नहीं रहा है कि हम बुआ फांसी लगाए लिया भाई रे किसलिए फांसी लगा ये नहीं बताता किस लिए हम अपनी जान दे रहे हैं नहीं बताई से महतारी से बताई सी तो हमसे फोन भैया से मेरे छीने ली से रहा है मेरे भैया से फोन नहीं रहा है ताला सब परे रहे सब जति छल्ला लोहा लकड़ा रहे सब ताला तूर तूर सब निकाल लेंगे महतारी बापू कुछ नहीं रखे सारा सामान भी उठा ले सब सारा सामान निकाल क्या 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 सामान ले गए अरे तीन ठिपिया के माला रहे माला सब रहे मटर माला रहे और जेवर जो थे वो ले गए झाला रहे हथफूल रहे कमर बिछुआ रहे पैली रहे
सब पूरी जेवर इनकी सबकी ही रखती रहा है। सब जब उनकी बेटी ने यहाँ पर अपनी जान दे दी तब उनके मायके वाले सारा सामान उठाए ले गए मायके वाले। हाँ हम और यहाँ घर के वाले मारपीट भगाए दे। हाँ ना देते रहे गेट के रे खड़ी रहे सब। हाँ कहाँ पिटी भी दे रहे काकी पितियानी और गाँव टोला कहाँ है लो इस तेईस उनका करी बहनिन बुलाए लो उनका इस तेईस करी तो सब बहनी वहनी कोई नहीं आवा रहा है। देखा हूँ जो कोई यार यहाँ पर देखिए कि सच्चाई क्या है। एक गरीब परिवार है किस तरीके से दुलार प्यार जो है इसकी अकेली बहू होगी तो कहीं ना कहीं अपनी बहू का कोई नहीं चाहता है कि किसी की बहू इस दुनिया से जाए और किसका बेटा है अच्छा परिवार रहे खुशी परिवार रहे। लेकिन आज ये बुजुर्ग माँ बाप का किस तरीके से रो रो करके इनका क्या दोष है रो रो करके परेशान है। बुजुर्ग बाप जो आज करने के लायक भी नहीं है एक रोटी भी नहीं कमाने के लायक है लेकिन आज वो जिसका जवान बेटा जेल जाने की नौबत होगी वो परेशान होगा कि नहीं होगा। खाना वाना कुछ बना है कि नहीं बना है। बना हमारी देवरानी का वही नहीं बनी देवरानी पड़ोस के रेन की छोटी देवरानी आना। अच्छा, हाँ तो इनका सबका खाना पानी देती है जब कमोई ही नहीं है तो उनको दे कोई है ही यहाँ प्रशासन से बिहार को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा यहाँ पास पड़ोस के जो हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट इसीलिए दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं सच्चाई सामने